नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए पोहे की साग रेसिपी लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोहे का साग आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हमें कई बार जरूरी नहीं है कि हमें जो टेस्ट पसंद है या जो स्वाद पसंद है वही रेसिपी हम बना के खाएं। कई बार हमें कुछ डिफरेंट टाइप की रेसिपी और खास करके हरे पत्ती वाली सब्जी तो खानी ही चाहिए, जो कि न्यूट्रिशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है और इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आधी केजी पोहे का साग लिया है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसका ऊपर का डंठल हटा करके इसको ज्यादा बारीक काटने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़े में भी इसे काट लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा थोड़ा सा मोटा, अगर बारीक कट रहा है आपसे तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। इस टाइप से हम थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में इसे काट लेंगे। तो इस साग को काटते टाइम थोड़ी सावधानी बरतेंगे क्योंकि हम यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी तो रखना जरूरी है ताकि हमारा चाकू जो है हमारे हाथों पे ना लगे, इससे हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये काट करके हम अलग प्लेट में रख लेंगे ताकि हम दोबारा काटने के लिए फिर से साग लें। ये देखिए दोबारा फिर से हमने ले लिया है और इसके ऊपर का डंठल हल्का सा पार्ट काट करके अलग करके रख देंगे और फिर से हम इसे काट लेंगे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में, ज़्यादा बारीक करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस टाइप से हम सारे साग को काट लेंगे। दोस्तों पोहे का साग जो होता है इसके डंठल के साथ ही खाया जाता है और इसका डंठल बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें कोई रेशा वगैरह टाइप की चीज़ें ना होती है और ये काफ़ी सारे न्यूट्रिशन से भी भरा होता है। ये देखिए हमने सारे साग को काट करके यहाँ पे रख लिया और इसको भी अलग करके एक दूसरे प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे आधी केजी में थोड़ा सा दोस्तों हमने बचा के रख लिया है और जिसका हम पकौड़े में इस्तेमाल करेंगे, इसका पकौड़ा भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 लीटर पानी, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। साथ ही हमने लिए यहाँ पे 200 ग्राम चना दाल जिसको 10 मिनट तक भिगो करके हमने रख दिया था। इसके बाद लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और एज पर टेस्ट नमक। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा दोस्तों हम इसमें ऐड कर देंगे चना दाल और चना दाल को करीब 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे उसके बाद जो साग काट के हमने रखा था पोहे का साग इसको भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे साग को हमने दाल के ऊपर डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे नमक एज पर टेस्ट, जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हल्दी पाउडर, ज़्यादा मसाले वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है हमें, और इसे ढककर साग दोस्तों उबल रहा है तब तक हम यहाँ पे तड़के की सामग्री रेडी कर लेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया जिसको हमने बारीक काट लिया है, साथ ही हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया इसको भी बारीक काट कर रख लिया, साथ ही 6 से 7 लहसुन की कली लिया इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, 2 लाल मिर्च लिया इसको भी तोड़ करके हमने रख लिया। इसके बाद 1 चम्मच जीरा लिया है हमने यहाँ पे, ये सारी सामग्री तड़का लगाने के लिए है। इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और ढक्कन हटा करके हमें इसे चला देना है एक बार, और चलाने के बाद फिर से हमें इसे ढक देना है दोस्तों। इसे करीब 12 से 13 मिनट तक हमें पकाना है और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा करके। और दोस्तों ये देखिए सारा पानी सूख चुका है हमारा, हम एक बार दाल को चेक कर लेंगे, हमारा दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। अब हमने एक पैन को फ्राई पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हमने डाला है कच्ची घानी का सरसों तेल और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे जीरा के बाद डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च जो लिया था हमने तोड़ के रखा था वो डाल देंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन इसको भी हम डाल के करीब आधी मिनट चलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। और दोस्तों प्याज डालने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन कलर तक होने तक इसे फ्राई करना है, थोड़ा सा कच्चा नहीं रखना है प्याज को, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए जैसे ही इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद करीब आधी मिनट तक इसको चलाना है। आधी मिनट चलाने के बाद अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे साग और दाल जिसको हमने पहले से बॉयल करके रख रखा था, और इसको डालने के बाद करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसको चलाते हुए हमें पकाना है। दाल और साग तो ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, हमारा तड़का बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे साग के फ्लेवर में मिक्स हो जाए, तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे चलाएंगे, और चलाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट टाइप का हमारा पोहे का साग बनके दोस्तों रेडी हो चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और इसे सर्व करने के लिए निकालेंगे एक बाउल में। तो दोस्तों आपने देखा है कितना इंस्टेंट और फटाफट ये पोहे साग की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। दोस्तों
कौन से पोहे का साग तो कई प्रकार से बनाया जाता है, बट किसी भी प्रकार से आप बनाइए, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, हम तो यही कहेंगे ये। और अगर आपको हमारा मेथड, हमने जिस टाइप से बनाया ये पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी वीडियो के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।